specialty hospital Dattuval Nalagarh. Modern well-equipped OT, ICU, emergency, lithotripsy and facility for all type of general surgery, laparoscopic surgery, gynae surgery and other surgery also. युवा कांग्रेस ने नाहन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का फूका पुतला। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। युवा कांग्रेस बीते दिनों से प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला मुख्यालय नाहन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने धारा 118 में बदलाव, पूर्व सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद करना तथा सरकार बनने के बाद से जारी तबादलों के दौर पर प्रदेश को आड़े हाथों लिया और जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव ओपी ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद किया तो प्रदेश युवा कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन निरंतर करती रहेगी। पिछले चार साल से केंद्र में बीजेपी की मोदी की सरकार है। पिछले चार साल में ऐसा कोई लगा नहीं जो बोल रहा था कि मैं 4 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, रोजगार पैदा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ 4 सालों में। और अब पिछले 2 महीने से जो जयराम सरकार आई आपके प्रदेश में हिमाचल में, इसने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे जो युवा के साथी है जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर झूठे पर्चे कर रहे हैं, झूठी FIR लॉज हो रही है, धारा 118 के साथ छेड़छाड़ हो रही है और शिक्षा स्थान उसको बंद किया जा रहा है। ये हमारी मांग नहीं मानेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं दिया तब तक हम इसे निरंतर जारी करते रहे पूरे प्रदेश में ये प्रोटेस्ट। युवा कांग्रेस द्वारा जिला सिरमौर नाहन मुख्यालय में जो प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो पिछली राजा वीरभद्र सिंह की जो सरकार थी उनके द्वारा जो शैक्षणिक संस्थान खोले गए थे उनको जो बंद करने का जयराम सरकार द्वारा फैसला लिया जा रहा है, इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध प्रदर्शन करती है। और जो भारी मात्रा में तबादला किए जा रहे हैं, धारा 118 के साथ छेड़खानी की जा रही है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो झूठे केस बनाए जा रहे हैं, युवा कांग्रेस अपने संघर्ष को लगातार जारी रखेगी जब तक जयराम सरकार अपने जो राजा साहब के सरकार के जो फैसले हैं उनको पलट रही है। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस भारी तादाद में जन आंदोलन खड़ा करेगी। नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।